अखिल भारतीय प्रधान संगठन के तत्वाधान में प्रधान महासम्मेलन 23 अप्रैल दिन सोमवार को जिला एटा में आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रामसेवक यादव ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानों का उत्पीड़न किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान अपनी ताकत को पहचाने, ग्राम प्रधान यदि एकजुट हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत प्रधानों का शोषण नहीं कर सकती। सम्मेलन में प्रधानों के खिलाफ हो रहे शोषण के विरोध में आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने जनपद में होने वाली मासिक बैठकों पर जोर दिया। इस दौरान एटा जिले में अखिल भारतीय प्रधान संगठन की नई जिला कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष रामसेवक यादव द्वारा भीष्म पाल को मंडल उपाध्यक्ष, लोधी भूपेंद्र सिंह को जिला महासचिव, महेश चंद्र को जिला संरक्षक, विजय बहादुर सिंह व राम प्रकाश को जिला उपाध्यक्ष, अशोक कुमार को जिला कोषाध्यक्ष व चंद्रशेखर को जिला सचिव मनोनीत किया गया। इस अवसर पर योगेश कुमार दिवाकर, लोकेंद्र कुमार प्रधान, अवनीश यादव, बलवीर सिंह, वासुदेव सिंह आदि प्रधानों के साथ सैकड़ों प्रधान मौजूद रहे। अब खूब कहिए, जोर जोर से बढ़िया गोपनीय ढंग से तैयार करा लीजिए, वो सीडी हमें उपलब्ध करा दीजिए और एक एक का इलाज हो जाएगा तो सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो एक का 48 घंटे के अंदर अंदर हम इलाज करा देंगे, आप सीडी बना के दे देंगे हमें, तो कोई प्रमाण तो होना चाहिए ना। तो ये हम लोगों का कदम बहुत बुरा है क्या? बहुत अच्छा है, मतलब अधिकारी जो है। एक और कार्यक्रम देखिए, अगर देंगे रब तो देंगे सब, और नहीं देंगे रब तो क्या खाद देंगे सब, बहुत प्लान दे देंगे। अब अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप करेंगे कि नहीं करेंगे आप जानो, आपका काम जान। हम एक ही चीज मान रहे हैं कि जो संवैधानिक अधिकार हमें मिला है, क्योंकि महाराज जी को हमें दे दो बस, जो आपका बहुत बड़ा हितैषी रहा हो, क्या किसी ने विधानसभा में आपकी आवाज उठाई क्या कि हमारा छोटा भाई मेन गेट पर बैठा हमारा इंतजार कर रहा है, प्रधान के रूप में, क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में, जिला पंचायत सदस्य के रूप में, इनकी भी कुछ सुविधाओं की दरकार है, इनकी भी कुछ आवश्यकताएं हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनका भी परिवार है, इनको भी कुछ चाहिए, क्या किसी ने विधानसभा में आवाज उठाई क्या?